नवरात्रि शुरू हो चुकी है। देश भर में माँ दुर्गा के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। वही आस्था से जुड़ी एक मंदिर के बारे में जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि माँ दुर्गा के इस मंदिर में जो पुजारी है वह एक मुस्लिम है। जी हाँ, इस मंदिर में मुस्लिम पुजारी देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। धर्म और जाति को लेकर अक्सर हमारे समाज में अलग अलग तरह की बातें होती हैं। इसके बावजूद कुछ लोग इससे हटकर एक अनूठी मिसाल के रूप में दिखाई देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी बनकर यह मुस्लिम परिवार देवी माँ की सेवा कर रहा है। यह मुस्लिम परिवार कौन है और क्यों बन गया माँ दुर्गा का इतना बड़ा भक्त, आइए जानते हैं। दरअसल जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र भोपालगढ़ के बागोरिया गांव की ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान माँ दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर के पुजारी जलालुद्दीन खान हैं। हजारों साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारी अकाल पड़ने के कारण इन ऊंटों के काफिले को लेकर मालवा जा रहे थे। उसी दौरान उनके कुछ ऊंट रास्ते में बीमार पड़ गए, उन्हें यहाँ रुकना पड़ा। तब देवी माँ ने देर रात को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि नजदीक के बावड़ी में रखी मूर्ति के भभूत निकाल लो और ऊंटों को लगा दो, वो ठीक हो जाएंगे। फिर जलालुद्दीन खान के पूर्वजों ने ऐसा ही किया, जिसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी ऊँटे स्वयं ही ठीक हो गए। माँ दुर्गा के इस चमत्कार को देखकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए मुस्लिम परिवार ने यहीं रुकने का फैसला कर लिया और माँ दुर्गा की पूजा पाठ और आराधना करने लगे। दोस्तों, यह मुस्लिम परिवार रोजा रखने के साथ माँ की उपासना भी करते हैं। गाइज, माँ दुर्गा के इस चमत्कार के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और धर्म और आस्था से जुड़ी इस अनोखी भक्ति के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा।